हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोई व्लॉग नहीं बनाने वाली हूं। आज एक वीडियो मैं स्पेशली यूट्यूब के लिए बना रही हूं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने चैनल को स्टार्ट किए हुए 8 मंथ्स हो गए हैं और आज तक ना ही मेरे चैनल के ऊपर कोई भी वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। फ्रेंड्स, मैं रियल में काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि हर क्रिएटर सोचता है कि उसके वीडियोस पे व्यूज आए ताकि उसे भी मोटिवेशन मिले कि हर रोज नए नए वीडियोस बनाए। और फ्रेंड्स, मुझे रियल में बहुत बहुत ही खराब लग रहा है कि 8 महीने हो गए और अभी तक मेरे चैनल पे व्यूज नहीं आते। कोई भी वीडियोस पे नहीं आते। एक दो वीडियोस है जिसपे 500 तक गए हैं, व्यूज आए हैं 500 तक, लेकिन उससे भी मेरे पास ना कोई सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े हैं 500 व्यूज आए हैं तो भी। तो प्लीज यूट्यूब, आप लोग जिस तरह से दूसरे क्रिएटर्स के वीडियोस को व्यूज देते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जो 3-4 महीने ही हुए हैं स्टार्ट किए हुए, लेकिन उनके चैनल पे व्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं और सब्सक्राइबर्स भी अच्छे है उनके पास। तो फ्रेंड्स, बस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल में भी जाके देखिएगा मैं किस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, और अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यूट्यूब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज यूट्यूब आप लोग मेरे चैनल पे व्यूज दीजिए, ताकि जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स 1 ईयर में कंप्लीट करने का, तो उसे भी मैं जल्दी ही कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि 8 मंथ्स हो गए और अभी तक मैंने सब्सक्राइबर सिर्फ 160 है और आवर्स की बात किए तो सिर्फ और सिर्फ 400 आवर्स हुए। तो मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने में मैं ये क्राइटेरिया जो है 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप मेरे चैनल पे व्यूज दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 1 साल नहीं, मैं 5 साल भी करूंगी तो ये क्राइटेरिया मैं कंप्लीट नहीं कर सकूंगी। तो YouTube, प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल पे भी मेरे वीडियोस को भी व्यूज दीजिए, ताकि मैं जल्दी से 4000 आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकूं। और ऐसा नहीं है कि छोटे क्रिएटर्स मेहनत नहीं करते हैं, छोटे क्रिएटर्स भी मेहनत करते हैं जिस तरह से बड़े क्रिएटर्स करते हैं। तो पता नहीं मेरे चैनल पे व्यूज अभी तक क्यों नहीं आ रहे। मेरे पास लास्ट मंथ आया था एक मेल कि ट्रेंडिंग वीडियोस पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं ट्रेंडिंग वीडियोस पे ही बनाती हूँ। ऐसे मेरा ब्लॉग चैनल है, तो जैसे होली है, शिवरात्रि है, ऐसे कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं तो मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन ट्रेंडिंग वीडियोस पे ही मेरे व्यूज और कम आते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले डाली थी होली का वीडियो, उसमें सिर्फ और सिर्फ 80 ही आए हैं व्यूज। तो और कैसे ट्रेंडिंग वीडियोस बनाऊं यूट्यूब, आप लोग मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हर कोई उसी वीडियो पे होली के वीडियो या फिर कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं उसके ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो आप थाउजेंड्स में लैक्स में व्यूज देते हो, और वही सेम वीडियो अगर मैं बना दूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 80-50 यानी कि 100 भी 100 एबो व्यूज भी नहीं आ रहे। तो अभी मैं किसी को भी, मैं अगर मेरे फ्रेंड्स भी मिलते हैं उनको कहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो वो डायरेक्ट मुझे पूछते हैं कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, और जब मैं बोलती हूँ कि 100 है, 120 है, तो कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, बोलता है कि इतना कम है सब्सक्राइबर्स तो कैसे करेंगे, जब आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तब हम लोग करेंगे। तो ऐसा अगर हर कोई सोचेगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स तो बढ़ेंगे ही नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं, मुझे घर से भी घर वाले ही कहते हैं, अभी प्रेशर है कि इतने दिन हो गए वीडियो चल नहीं रहा, तो क्यों यूट्यूब में टाइम वेस्ट करते रहती हो, इतने इतने आवर्स टाइम वेस्ट करते हो, उससे अच्छा दूसरा काम कर लो, यूट्यूब को छोड़ दो। तो मैं तो यूट्यूब छोड़ने वाली नहीं हूँ, वो शायद 1 ईयर लगे या 2 ईयर्स लगे कंप्लीट होने में, मेरे जो क्राइटेरिया फिनिश करने में, कंप्लीट करने में, मैं करूंगी, मैं यूट्यूब छोड़ने वाली नहीं हूँ। हर कोई कहता है यूट्यूब से क्विट कर लो, तो आई एम नॉट गोइंग टू क्विट यूट्यूब, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है इसमें वीडियोस बनाने में, और थोड़ा बहुत जो टाइम मिल जाते हैं मैं वीडियोस बना लेती हूँ। एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन मैं वीडियोस भी जो एडिट करना होता है वो मैं नाइट में करती हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी बेटी है, दिन में टाइम नहीं मिलता मुझे कि मैं वीडियोस को एडिट कर पाऊँ, तो उसको सोने के बाद ही मैं भी वीडियोस को एडिट करती हूँ। तो मेहनत तो बहुत लगती है, मैं भी मेहनत करती हूँ बाकी क्रिएटर्स की तरह,
प्लीज यूट्यूब आप मेरे चैनल पे भी व्यूज दीजिए, ताकि मेरे चैनल के जो वीडियोस हैं, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ वो बहुत लोगों के पास तक जा सके, ताकि वो लोग भी मेरे वीडियोस को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब तक आप वीडियो व्यूज दोगे नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे कैसे। तो प्लीज 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 यूट्यूब मेरे चैनल को भी व्यूज दीजिए, सो दैट आई कैन कम्प्लीट माई क्राइटेरिया विच इज 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स। इफ यू वॉन्ट गिव एनी व्यूज, हाउ कैन आई कम्प्लीट माई क्राइटेरिया? तो प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट टू यूट्यूब, प्लीज 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 गिव मी प्रोवाइड मी अ व्यूज। सो बस इतना ही है, मैं यूट्यूब से ही सिर्फ आज मेरी शिकायत है कि मेरे चैनल पे व्यूज नहीं देते हैं। अरे यार, हर कोई मेहनत करता है, मैं भी कर रही हूँ, इतना मेहनत करने के बाद भी अगर सब्सक्राइबर्स या और व्यूज नहीं आते तो डिसअपॉइंट तो हर कोई होगा, जिसमें भी हूँ। और जब घर सब लोग बोलते हैं कि अब नहीं आ रहा है, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, छोड़ दो यूट्यूब को, छोड़ दो, तो इतने दिन में मेहनत क्यों, इतने महीने से मैं मेहनत कर रही हूँ, अभी छोड़ दूंगी तो शायद मुझे ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर से जो फीलिंग मेरी आती है कि शायद मैं 8 महीने की हूँ, और 1 साल कर लूंगी तो शायद व्यूज बढ़ जाएंगे। लेकिन व्यूज बढ़ने में यूट्यूब आप ही का हाथ है, प्लीज बढ़ाइए सो दैट कि मेरे चैनल पे भी व्यूज बढ़ सके। बस इतना ही यूट्यूब, अब इस चैनल को या इस वीडियो को आप जरूर देखिए, जो मैं आपको कहना चाहती थी वो मैं कह दी हूँ। तो आई होप इस वीडियो आप देखने के बाद मैं चैनल पे व्यूज देंगे। और ऑडियंस प्लीज, अगर आपको भी अच्छी लगी कि वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस इतना ही फ्रेंड्स, चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।